हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। वेलकम टू टुडेज व्लॉग, स्वागत है आपका। एंड आज तो मैंने बड़ी हद ही कर दी, आज मैं 9:30-9:30 तक उठी हूँ। पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मम्मा दो बार ही आए भी, बट मुझे लगा यार अभी 8:15 हूँ तो ऐसे कर जैसे ना बंदा नींद में देख, मैं 8:15 हुए बट बेसिकली वो 9:15 थे एंड करते करते वो 9:30-10 हो गए। एंड अभी बस काम शाम खत्म किए क्योंकि लेट हो गई थी, कुछ नहीं किया सुबह से, बस नहा भाग के भी फ्रेश होके आए। कैसी लग रही है? और गाइस, जैसे कि हमारे में करवा चौथ मनाते नहीं, एंड ये व्लॉग अगले दिन अपलोड होगा, बट इसी दिन मैं आपको विश दे रही हूँ। जो लोग भी इन रिचुअल्स में बिलीव रखते हैं उनको बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी करवा चौथ, अच्छे से बनाएं, गॉड ब्लेस यू ऑल। दो तीन मूंगी की दाल चढ़ाई है, देखो मेहंदी तो बता दो, मेहंदी देखनी है, ये देखो आपको भी अच्छी लगी है, क्या बात है। सबको हैप्पी करवा चौथ। हेलो, क्या बोल रहे थे आप मेरे को? करवा चौथ है तो मेहंदी लगाओ उधर। किधर? गाइस पापा मेरे पीछे पड़े हैं कि चल उधर गोल मार्केट बैठ, टेबल लेके और मेहंदी लगा, तेरे को स्किल है वो यूटिलाइज कर उधर। चलिए फिर पक्का, चल। गाइस क्या बोलती हो यार, मैं सो गई कि आप सीरियसली बोल रहे हो? कहते और क्या, सीरियसली बोल रहे हो, इतना अच्छा लगाया है तूने तो यार। मैं सोच तो रही थी क्या करूँ, जाऊँ पापा मम्मा बोलते मजाक कर रहे थे, पापा बोलते नहीं मैं सीरियस हूँ। यार गाइस अभी तो ओपन करा है लैपटॉप, बट कुछ आज पढ़ने का ना मन नहीं हो रहा, कुछ मूड नहीं बन रहा। जो पापा ने मेरे को आइडिया दिया ना वो मेरे दिमाग में घूम रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये नहीं लग रहा कि मैं लगाऊंगी, वो मेरे को एडवेंचरस टाइप लग रहा है कि लाइक ऐसा कम किया नहीं कभी, है ना पब्लिकली। मम्मा जाने दो ना यार, मम्मा बोल रहे नहीं जाना। मम्मा नहीं यार, दूध जाऊंगी अभी। क्या कर रही हो? नहीं साइन कराने गई थी ना, सर ने बोला मैं नहीं करूंगा अगली करवा चौथ पे, कौन लगाएगा मेरी वाइफ को मेहंदी, पिछली बारी मैम को लगाई थी मैंने। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं जम्मू से आ जाऊंगी, कोई चक्कर नहीं, बट मेरी एनओसी साइन कर दो। पापा खजूर खा जा रहे हैं, मेरी बातों का जवाब दो। दुकानदार तो ले लेंगे कुर्सी टेबल, चलिए सच बोलो। पापा कहते हैं ये वाले प्लान पहले करने होते हैं, जैसे मैं कल डिसाइड करके रखती, कल ही बैठ जाती, कल लगाती फिर आज लगाती फिर मजा आता। अभी 12 बज गए हैं, आधी तैयारी 12:15 हो गए हैं। पापा कहते कल तुम दोनों गए थे, पूछना चाहे थे यार, सानू आए ही नहीं ना आइडिया। चलो कोई नहीं, अगली बार देखेंगे अगर ठीक ठाक रहे तो। एंड आज तो कुछ खास प्लान नहीं है, हो सकता है शाम को कुछ खास प्लान बने, वो देखते हैं टाइम के साथ साथ। आज तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा गाइस, मतलब 1 बज गया, आगे पीछे काम करती हूँ फिर उसके बाद पता नहीं लगता कि कैसे निकल गया दिन, पर आज तो यार यार पता नहीं इसको क्या बीमारी पड़ी हुई है तब से, मतलब एक तो आगे मैंने कुछ काम नहीं किया और ये डब्बा सा काला सा होके बैठ गया हुआ है, मन कर रहा है इसको उतार के ही फेंक दूं यहाँ से। सो गाइस अभी हम करने लगे हैं लंच, आज है येलो वाली दाल, चने वाली दाल मैंने मलाई लिया, जो अश्री जी की खीरों से प्लेट ही भर दी अपनी, हमें कुछ नहीं देती, खुद खाती है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जब हम लंच करके फ्री हुए 2:30-3:30, मैंने इसको बोला मैं 3 से 4 काम करूंगी, मेरे को काम है, फिर मैं 4 बजे सोऊंगी और 5:30 तक उठ जाऊंगी। आप 3 बजे सोई थी और 6 बजे उठी हो। तो मैं 4 बजे सो रही थी ना, 3 बजे तुमने सुलाया है। तो तूने 1 घंटा जल्दी उठ जाना था, इतना क्या हो गया तेरा? गुड इवनिंग गाइज, तो मैं उठ गई यार और आपने स्टोरी सुनी मेरे रशी की, क्या वार्तालाप हुई हमारी, सारा टाइम वेस्ट करवा दिया। और अभी हमारा कहीं जाने का प्लान है तो आपको बताऊंगी, थोड़ा सा टाइम था तो मुझे लगा चलो थोड़ा 5-10 मिनट माथा मार लेते हैं इसके साथ। फोन ही चला रही है दीदी, तुम आ गए बीच में बोलने, कसूरी मेथी जैसे कसूरी मेथी खाने में डाली जाती है ना एंड में, फिर आके तड़का वो करती है। हम पापा भी हो रहे हैं रेडी, मैं और अर्शी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। गाइज हम हो गए हैं रेडी एंड रेडी टू गो। अर्शी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नई बस्ती बुजी के घर, क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया है डिनर पे एंड हमने सोचा कि थोड़ा बाहर चलते हैं, रौनक शौनक भी देख लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द लेडीज तो वेट कर रही होंगी बेचारी, चांद आए तो कुछ खाए, भूखे बैठी होंगी तो यार जल्दी आ रहा है आपका चांद, क्या चांद आया, चांद आ गया, चांद आ गया, सो गए थे यार। पापा भी आ जाओ यार, पापा बाहर बाहर से ही निकल रहे थे। सुनना यार ये बड़ा सही बोलता है। की बात है, उसके बाद चांद छुपा जो बादल में, बादल उसके बाद अपना फास्ट जो है वो तोड़ सकते हैं। चाननी अनो, पानी पियो, शैल शैल कपड़े पाओ तो कन्या रोटी खाओ, रोटी खा लो यार। इतना रश क्यों है, घर पे जाके व्रत क्यों नहीं खोल रहे? मैंने बोला लेडीज तो घर पे ही है, क्यों बड़ा शोर
पहले हम आए हैं स्ट्रीट फूड और पापा की तरफ से पार्टी है स्पेशली। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे जगह भी नहीं होती है गाड़ी खड़े करने की और आज काफी स्पेस है तो रीजन आपको पता है। बेसिकली जाना है पूजी के घर क्योंकि डिनर है तो हमें चले चलो। पापा ने बोला चलो थोड़ी सी पार्टी कर लो। क्या पिला रहे हो? सूप ला रहे हैं। सूप पिला रहे हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया हुआ है ना मिर्ची है ज्यादा ना कुछ। फिर जो लास्ट मोड़ की लाइट्स आती हैं एंड इसके साथ ये जो स्टॉल्स लगे होते हैं स्ट्रीट फूड तो ये है स्टॉल का नाम। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है तो यू कैन चेक इट आउट। पापा को बोला चलो पूजी के घर हम थोड़ा मार्केट चक्कर लगाते हैं मैं और अर्शी देख के आते हैं जरा क्या कुछ चल रहा है। नहीं बस्ती वैसे भी बहुत बड़ी रौनक होती है बहुत ज्यादा होती है। अभी पीछे से आवाज आ रही है कि मेरे को भी साथ में ले चलो मेरे को क्यों छोड़ के जा रहे हो। पापा को भेज देते हैं पूजी घर। अभी हम तीन चलते हैं हमारी टीम है ना अलग तीन लड़कियों की। बूजी के घर के बाहर पापा यहाँ पे ना एक्चुअली एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पार्किंग की जगह बहुत कम होती है। देखो एकदम ऑक्यूपाइड है। अभी हमारे साथ आ गए हम बोलते हैं मैं भी चलती हूँ देखती हूँ जरा क्या चल रहा है। पर अर्शी दीदी यार ये वाले अच्छे लग रहे हैं चेयरिंग्स पसंद आ गए और हम ले रहे हैं। अर्शी भी देख रही है। हमने चार पेयर्स ले लिए इयररिंग्स और टॉप्स के और इतने मॉल घर जाके बताएंगे आपको। तो मॉल्स वगैरह होते हैं ना वहाँ इतना मजा नहीं आता पर परेड और जो नई बस्ती की मार्केट है ना यहाँ पे अलग ही मजा आता भाई। चलते हैं बूजी के घर क्योंकि अभी ऑलमोस्ट क्लोज ही हो रहा है एंड मजा आ गया देख के मार्केट को। हम पहुंच गए और ये यहाँ बैठे हुए और अंकल और पापा लगे हुए जूस पीने लगे डिस्कशन चल रहा है। मामा भी और बूजी अंदर लगे कपे ही चल रही हैं तो मैं और अर्शी सोच रहे हैं चल छत पे चक्कर लगा के आए। इनके छत से सब कुछ आगे दिखता है क्या छोटी छोटी प्यारे लग रहे हैं। मेरे को ऐसे वाला लेना अर्शी मैं ऐसे वाला बोल रही थी ऐसे वाला वाइट। हाँ नहीं इंडोर भी मिलते हैं ऐसे जैसे मेरी बूजी की जो जेठानी है वो उनका ये घर है कंबाइन है हाँ। उन पर जो देवरानी है वो रहते हैं तो इनके साथ साथ में सब कंबाइन है सब कंबाइन है। हमने इनके छत से ऐसे व्यू आता है। पहले तो ये घर वगैरह नहीं बने थे ना व्यू तो कुछ नहीं आ रहा लेकिन ये घर वाले घर वगैरह नहीं बने हुए थे तो तब ऐसे लगता था पूरा मार्केट दिखता था। यहाँ चांद आ चुका है लखनऊ में। जम्मू का चांद अभी तक नहीं आया और लोग बेचारे वेट कर रहे होंगे। हाँ 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 तू बड़ा जी भर्त रखे थे हम वेट कर रहे हैं आए और हम खाना स्टार्ट करें कितनी झूठी है बात चल रही है अभी गाइस यहाँ डिस्कशन चल रही है कि अगले बारी मैंने स्टार लगाना है तो बी रेडी कोरोना वर्ष ब्लॉग से ही लगेगा कोरोना वर्ष मेहंदी स्टॉल। बूजी भी सुन रहे हैं राजस्थान तो राजस्थान से लोग आए थे स्पेशली मेहंदी लगाने चल गए ट्रेन से वापिस हो गया कॉल ही हो गया यार अशी कीड़े आज के तो कीड़े हैं। कौन से जमाने की फिल्म लगी हुई है श्रीदेवी की और ये देखो ये कलर चेंज करता है ये पिंक हो गया अभी पर्पल हो गया अभी हो गया ब्लू लाइट पिंक। ये डिनर का काम करने लगे हैं पटाखे फटने चांद आ गया मैं लग रहा है गाइस पटाखे फटने की आवाज़ आ रही है अर्शी बस तो गाइस अरे ये मेरे को बुला रहे थे गाइस बट मेरे को फ़ोन आ गया हुआ था अर्क दे रहे थे लाइट मेरे को ना फ़ोन आया हुआ था तो मैं वही मीटिंग में बिजी थी जी लेके आ गए हैं कश्मीरी बादाम कावा ये बड़ा टेस्टी होता है गाइस बूजी बना के लेके गाइस यहां से नंगे पैर जाएंगे हम निकल रहे हैं यहां से और ये हमें छोड़ने आए हैं बाहर तक चलो यार घर चले अब चलो इस चांद नजर आ चुका है और हम बस जा रहे हैं घर असीं पहुंच गए हैगे हैं जी घर। अब यार थोड़ा काम करें ख़त्म फिर मिलते हैं आपसे। चेंज वगैरह किया एंड अभी फेस वॉश वगैरह करना बाकी है तो यार मेरे को वो देखने नू एक्चुअली मेरे बूजी के घर के सामने वो रहते हैं ना आंटी हिंदू हैं वो करते हैं ये मतलब करवा चौथ वगैरह का व्रत तो अर्शी थोड़ा सा कैप्चर करके लाई थी मतलब शीट यार मैंने मिस कर दिया उसको। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ जो इयररिंग्स हमने लिए थे आप भी बताना कैसे हैं वो तो हम चलते चलते हमें पसंद आ गए तो हमने उठा लिए आए ये वाले क्योंकि ये काफ़ी मतलब हल्के से झुमके लग रहे थे लाइट वेट थे तो अचानक ये पसंद आ गए एंड सिर्फ ये थे 30 कितने बोल रहा था मैंने जी 50
तो कर कर के मैंने उसको 30 लगवा दी। और लाया ये वाला पेयर क्योंकि ये बड़े ना स्लीक से लग रहे थे एंड ये कोई भी सिल्वर कलर का कुछ हो किसी सूट में वर्क या कुछ वेस्टर्न के साथ, मतलब कि बड़ा स्लीक पैटर्न था एक तो, और कान में डाले हुए बड़े से पतले पतले लग रहे थे स्ट्रिंग्स। पता ही नहीं लग रहा था इसका भार तो इस रुपए के 30 रुपीस पंजाब बोल रहा थी गाइस। मैंने आज बार्गेनिंग की है थोड़ी सी, मेरे को आ गई है गाइस। बाकी ये थे ऑक्सीडाइज, तो ये मतलब काफी लाइट वेट एंड काफी ना अलग सा पैटर्न लग रहा था, कान में डाले हुए बड़े अच्छे लग रहे थे और ये अच्छे लगते हैं कुर्ता वगैरह या सिंपल कैजुअल किसी के साथ भी वेयर करो। हाँ, इसका प्राइस देख के तो मैं हैरान रह गई थी, इतना 10 रुपए के, मतलब 20 के बोल रहा था पर मैंने यहाँ पे भी 10 कम करा दी। और ये है लास्ट वाला, वो है ये वाला सीडाइज टॉप्स में है ये, इसका ना एक्चुअली पीछे वो गोल्डन आ रही है ना लाइट, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है। बट आप ये देखो, ये है इसका पैटर्न इयररिंग का, ये दोनों है ले आना पता ही नहीं चलता है। और गाइस मात्र 10 रुपए में है ये भी, मतलब हमने ये टोटल 4 चीजें खरीद ली, लगे आज चलते चलते। इसका कलर और भी ऐसे बढ़ता जा रहा है, काला हो जाएगा पूरा हाथ मेरा। तो गाइस आज का व्लॉग ऐसे ही था, रैंडमली प्लान बना फिर हम गए मजे किए एंड वापिस आ गए खा पी के, अब है सोने का वक्त। तो ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्यार देते रहो व्लॉग्स को, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तो के लिए खुश रहिए खुश रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।